व्यूअर्स, निशा को मैं मेहंदी लगाऊंगी ये स्टिकर्स के साथ क्योंकि ये जल्दी लग जाती है, ठीक है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि पार्लर में तो मेहंदी लगाने के लिए मेरे पास गर्ल्स हैं वो लगा लेती हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुझे खुद ही करना है। इट्स अ रियली बिग डील फॉर मी कि बहुत अरसे के बाद मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ, ठीक है। बिग चैलेंज भी कहेंगे, हाँ जी, मैं ब्राइड बना लेती हूँ, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और मुकाबला सख्त है। निशा आप बताएं आपको कौन सी मेहंदी लगाऊं, आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? वैसे तो सभी प्यारी हैं, लेकिन अब जो कि ब्राइड बनना है तो ब्राइड भी लग गई। हाँ ये तो ब्राइड लिए थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, तो ये वाली अच्छी लगेगी, है ना? चलिए ठीक है, ये वाली मेहंदी लगाते हैं। देखे मैं सारी मेहंदी जो है ना ऐसे ऐसे लगा दूंगी, और ये लगाते हुए इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जिसे हम कुछ यू 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 कर रहे हैं, और इसके बाद जो डिजाइन बन के सामने आ जाएगा, देखे आपने कमाल। हाँ जी, मेहंदी हमने वॉश कर ली है, तो अभी जो है ना इसको उतार के देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। वाओ जबरदस्त, इसको साथ वॉश भी कर लो ताकि हल्की हल्की जो लगी हुई है ना, चलो अब ये साथ पे लगा लेते हैं साथ साथ ना, क्योंकि साथ पे भी तो लगनी है ना, वहां से रैपर उतार के यहाँ लगा लेते हैं। चिपक जाएगा, आई होप सो कि चिपक जाएगा। चिपक गीला हो, वो तुमने फोन हाथ कर दी नहीं चिपक रहा, चलो देखते हैं शायद हो जाए। मैं थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ दुपट्टे से। जी व्यूअर्स, ये जी हमारा मेकअप जो है लग चुका है, और ये सारा मेकअप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी जो है हम निशा का मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैंने सोचा आपको मैं ये बता दूं कि जी पूरा पॉलर उठा के यहाँ पे लाना सिर्फ आपके लिए मैंने ये कोशिश की है, तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा। तो अभी जो है वो निशा आ रही है चेंज करने के लिए गई है, तो फिर हम निशा का मेकअप स्टार्ट करते हैं। जी तो हमारी ब्राइड जो है वो चेंज करके आ चुकी है माशाल्लाह, अभी जो है हम इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो बिल्कुल सही, और बहुत नेचुरल ब्यूटी जबरदस्त लग रही है, अभी भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। जी वैसे मैं मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ, और पहले लगाने लगी हूँ जी प्राइमर, और ये जो है ना काफी अच्छा प्राइमर है, और ये थोड़ा जो है ना ऑयल बेस्ड है क्योंकि स्किन थोड़ी ड्राई है, तो हम वाटर बेस्ड प्राइमर यूज नहीं करेंगे, थोड़ा ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज करेंगे। ये भी कैमोफ्लाज कर रही हूँ ओरिएंटल से, कैलॉन के ओरिएंटल से मैं इनको कैमोफ्लाज कर रही हूँ। मेरे नजदीक जो इसकी इसमें स्टे है ना मेकअप स्टे बहुत अच्छा करती है ये, ईस्ट और वेस्ट कैलॉन इज द बेस्ट। जी व्यूअर्स, कैमोफ्लाज मैंने इनका कर ली है, अभी मैं ना सिर्फ ब्यूटी फेम आमना के साथ उनकी बाकी बेस बनाऊंगी। जो ब्यूटी फेम आमना है इसका कलर थोड़ा डार्क है, और नार्स के फाउंडेशन का कलर थोड़ा लाइट है, इन दोनों को मिक्स करके उनकी बाकी बेस बनाऊंगी। अभी यही मैं स्टार्ट हूँ। जी व्यूअर्स, ये है हमारी फाइनल लुक, थोड़ा धीरज रखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको फेस क्लोज भी दिखा देंगे, सारी वीडियो एंड तक देखिएगा। और देखें ये निशा चलती हुई भी कितनी प्यारी लग रही हैं, और जी इनकी फाइनल लुक क्रिएट हो चुकी है। 1 2 और ये 3। अकेला काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, तो बस अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। बाकी तो आप लोग बताएंगे ना कमीशा की कैसा जी मामी का काम लग रहा है।
जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने फोटो शूट किया जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे पिक्स बनाई और फोटो शूट किया, और व्लॉग बनाने का किसी को इतना ज़्यादा ख्याल नहीं आया जितनी हमने फ़ोटो शूट सारा किया आप लोगों के लिए। कुछ क्लोजअप्स लिए, आप देखें कितनी क्यूट और कितनी प्यारी लग रही हैं। जी व्यूअर्स, तो ये जी हमने ब्राइड तैयार कर दी आपके सामने। आज हमने ब्राइड बनाया है माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही हैं। और ये आप बताएंगे है ना निशा, क्या आप कैसी लग रही हैं? नहीं वैसे मैंने तो देखा है बहुत जो मतलब ये कि लुक चेंज हो गया, बहुत जबरदस्त लग रहा है। हाँ जी, बाकी आपने बताना है। और दूसरा ये कि इनके तैयार करने के पीछे हमारी जो एफर्ट्स हैं पिछले 5 घंटों की, वो आप सोच नहीं सकते। बाहर ए टू जेड तैयार करना, हाँ जी सारा कुछ, और फिर मेहंदी नेल्स ईच एंड एवरीथिंग यू नो, तो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये क्योंकि ये ब्राइड होने के साथ साथ एक मदर भी हैं, तो इनकी बहुत शाबाशी है कि बच्चों को भी हैंडल कर लेती थी और बीच में तैयारी भी करवा लेती थी। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज का मेकअप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और मेरा इंस्टाग्राम जरूर विजिट करें कॉस्मिक में सभा के नाम से, वहाँ मेरे बहुत सी ब्राइड्स की पिक्स डाली हुई हैं। थैंक यू। ये देखें जी निशा का फ़ोटो शूट हमने किया है, और बहुत सी और भी तस्वीरें थी, और लेकिन ये हुआ कि ये शाम का फ़ोटो शूट है, फिर कुछ हमने लाइट्स में किया फ़ोटो शूट, फिर हमने अंधेरे में भी किया, यानी कि हमें रात के 10-11 आराम से बज गए थे, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, बहुत ज़्यादा काम करते हुए। और सबका बहुत ज़्यादा तामुन रहा है, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, निशा के पेरेंट्स का मतलब उनके जो ससुर और सास हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तामुन किया, और फिरोज़ का भी, सब बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ मतलब तामुन करते रहे, और हम लोगों ने उनको फ़ोटोशूट भी किया। और ये देखें ये रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, फिर भी हमने लाइट्स ऑन करके फ़ोटोशूट किया और बहुत प्यारा आया है माशाल्लाह। तो आप लोगों ने उम्मीद है आज की वीडियो खूब इंजॉय की होगी, तो मैंने सोचा एंड पे आपको मैं वो सारी पिक्स शेयर कर दूं जो हमने बनाई है। खैर सारी तो नहीं है, सारी तो कोई 250-300 पिक बनाई है, उसमें से कुछ सिलेक्ट करके मैं तस्वीरें जो है दिखाती रही हूँ। बाकी मेरी तस्वीरें आप कॉस्मिक बेस्ट सभा पे जाएं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह इनकी क्लोजअप्स डालूंगी और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जितना हो सका था मैंने किया है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।